इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। जी, आप जैसा आपकी जानकारी में होगा, 2 नवंबर की बात है, दुर्घटना जो हुई, घटना हुई 30,000 अदालत में दिल्ली में। एक छोटी सी मामूली बात थी, पार्किंग को लेकर के जो भी विवाद हुआ उसका समाधान कानूनी तरीके से निकाला जा सकता था, लेकिन पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों ने हमारे साथी अधिवक्ता के साथ लोकअप में ले जा करके जो बदतमीजी की, दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, वो बहुत ज़्यादा निंदनीय था। उसके बाद में जो घटनाक्रम आमने सामने होकर के, क्योंकि मैं मानता हूँ कि दोनों ही पक्ष कानून के रखवाले हैं, कानून की हिफाजत करने वाले हैं, और दोनों के लिए कानून की पालना बहुत ज़रूरी था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से दोनों आमने सामने हुए। ये बहुत दुखद घटना है, और उसकी आगे चल करके जो कल परसों जो अलवर में जो घटना हुई है, वहाँ की बार एस उनके अध्यक्ष के साथ में पुलिस के बड़े अधिकारी, SP जैसे बड़े अधिकारी ने उनको उठा करके लेके बार एस उनके अध्यक्ष को उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट किया। तो इन दोनों घटनाओं के विरोध में हमने पहले भी एक दिन सांकेतिक हड़ताल रख करके अपना विरोध जाहिर किया था। अलवर की घटना को लेकर के हमने फिर आज का एक न्यायिक कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है, और ये घटनाएं पुनरावृत्ति इस चीज़ की नहीं होनी चाहिए थी। दोषी अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो भी हो, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी। जैसा राजस्थान दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में स्वस्फूर्त प्रसंज्ञान लेकर के कार्रवाई की है, मैं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं, और मैं अपने साथी अधिवक्ताओं से भी आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून के दायरे में रह करके अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ावें, कानून को हाथ में नहीं लेवें, पब्लिक में जो आपकी जो एक इमेज है उसको बनाए रखें, पब्लिक की सिंपैथी, पब्लिक का साथ हमें नहीं खोना है, उन्हें हमेशा साथ रखना है। एक दिवसीय कार्य बहिष्कार है यहाँ? हाँ, फिलहाल हमने ये टोकन रखा है, और अगर इसके बाद में कोई आगे की रणनीति बार काउंसिल ऑफ राजस्थान या बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय की जाती है, तो उसके अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। आपका नाम? PP सिंह राजावत, अध्यक्ष राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन अजमेर।